हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक है हाथी। हाथी ज़मीन पर चलने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। शब्द एलिफेंट ग्रीक शब्द एलिफा से आया है, जिसका अर्थ है हाथी दांत। हाथी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला अफ्रीकन हाथी, दूसरा एशियाई हाथी। सन 1942 में अफ्रीकन हाथियों को 18 उपजातियों में बांटा गया, परंतु उन 18 उपजातियों को जब जेनेटिकली टेस्ट किया गया तो पाया गया कि हाथी मुख्य रूप से हाथी की दो उपजातियां होती हैं। परंतु जब उन 18 उपजातियों का जेनेटिक टेस्ट हुआ, जेनेटिकली उनको एनालाइज किया गया, तो पाया गया कि अफ्रीकन हाथी जो है उसकी दो प्रजातियां हैं। पहला अफ्रीकन बुश हाथी या अफ्रीकन सवाना हाथी, और दूसरा अफ्रीकन जंगली हाथी। इसी प्रकार से एशिया हाथी की भी 5 उपजातियां होती हैं। पहला भारतीय हाथी, दूसरा सुमात्रन हाथी, तीसरा बोर्नियो हाथी, चौथा श्रीलंकन हाथी, पांचवा सीरियन हाथी। तो जो सीरियन हाथी है वो लगभग विलुप्त हो चुका है। बोर्नियो हाथी का मतलब है जो थाईलैंड और इंडोनेशिया में रहने वाला हाथी है। श्रीलंकन हाथी जो श्रीलंका में रहता है, भारतीय हाथी जो भारत में पाया जाता है, और सुमात्रन हाथी जो सुमात्रा में पाया जाता है। पर अगर हम जेनेटिकली देखें तो सारे एशियन हाथी एक जैसे ही होते हैं। अफ्रीकन हाथी के बारे में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं अफ्रीकन जंगली हाथी अलग स्पीसीज है, मतलब अलग जाति है, और अफ्रीकन बुश हाथी अलग स्पीसीज है, मतलब अलग जाति है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है अफ्रीकन बुश हाथी और अफ्रीकन जंगली हाथी दोनों ही अफ्रीकन हाथी की उपजातियां हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो जेनेटिकली हम हाथियों को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला अफ्रीकन बुश हाथी, दूसरा अफ्रीकन फॉरेस्ट हाथी या अफ्रीकन जंगली हाथी, और तीसरा है एशियन हाथी। हाथी की अधिकतम उम्र 70 वर्ष होती है, परंतु इस उम्र तक बहुत ही कम हाथी पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हाथियों के रहने की जगह पर मनुष्यों ने कब्जा कर लिया है। मनुष्यों ने वहां पे या तो मकान बना दिए हैं या खेत बना दिए हैं या अपने उपयोग के लिए दूसरी वस्तुएं बना दी हैं, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह बना दिए हैं, जिससे कि विशेष रूप से एशिया के हाथियों को लोगों के रहन सहन की जगह पर आना पड़ता है। और हर दिन मनुष्यों और हाथियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। कभी हाथी मनुष्य की फसल को नष्ट कर देते हैं, तो कभी मनुष्य उन पर चोट पहुंचा देते हैं। अब आते हैं अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी में अंतर। साइंस पत्रिका के 2008 के एक अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी हाथी की औसतन आयु 56 वर्ष होती है, जबकि भारतीय हाथी की औसत आयु 41.7 साल होती है। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से बड़े और भारी होते हैं। अगर हम कान के आधार पर अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी को कंपेयर करें, उनकी तुलना करें, तो हम पाएंगे कि अफ्रीकन हाथी के कान बड़े होते हैं, जबकि एशियाई हाथी के कान छोटे होते हैं। कहा जाता है कि अफ्रीकन हाथी के बड़े कान होने का कारण उनका गर्म जलवायु में पाए जाना होता है। क्योंकि गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, इसलिए उनको गर्मी को बाहर निकालना होता है, हीट डिसिपेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें बड़े कानों की आवश्यकता होती है। जबकि एशियाई हाथी अफ्रीकन हाथी की तुलना में कम गर्म जगह पर रहता है, जिससे उसके कान छोटे होते हैं। अगर हम वज़न के आधार पर देखें तो
तो अफ्रीकन हाथी का वज़न 4000 किलोग्राम से 7000 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि एशियन हाथी का वज़न 3000 किलोग्राम से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। ऊंचाई के आधार पर अफ्रीकन हाथी 4 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जबकि एशियाई हाथी 3.5 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु का मतलब है कि कहाँ पर हाथी सबसे ऊंचा होता है। तो जो अफ्रीकन हाथी होते हैं वो जनरली कंधे पर सबसे ऊंचे होते हैं, और एशियाई हाथी अपनी पीठ वाली जगह पर सबसे ऊंचा होता है। अफ्रीकन हाथी की जो पीठ होती है उसमें दो उभार होते हैं, बीच में गहरा और दो जगह पर ऊंचा होता है, जबकि इंडियन हाथी जो होता है या जिसे एशियन हाथी हम कहते हैं, एशियन हाथी जो होता है उसमें उसकी पीठ पर एक ही उभार होता है, एक ही जगह पर ऊंचा होता है। त्वचा, अगर हम त्वचा जिसे हम खाल कहेंगे के आधार पर एशियन और अफ्रीकन हाथी को की तुलना करें, उनको कंपेयर करें, तो अफ्रीकन हाथी की जो त्वचा होती है वो ज़्यादा झुर्रीदार होती है, जबकि एशियन हाथी की त्वचा कम झुर्रीदार होती है। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से पीठ, पेट और सिर के आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब अफ्रीकन हाथियों की जो पीठ होती है वो अलग टाइप की होती है, जैसे इसमें दो उभार होते हैं, इंडियन हाथी की पीठ में एक ही उभार होता है। इनके पेट का जो साइज होता है उसमें भी अंतर होता है, और अफ्रीकन और इंडियन हाथी के जो सिर का साइज होता है, सिर का आकार होता है, वो भी अलग अलग होता है। अफ्रीकन हाथी का अगर आप माथा देखेंगे वो प्लेन होगा या उसमें एक ही उभार होगा, जबकि अगर आप भारतीय हाथी का माथा देखेंगे तो उसमें दो उभार होते हैं। हाथी का गर्भकाल, हाथी का जो गर्भकाल की अवधि होती है वो 680 दिन या लगभग 22-23 महीने होती है, जो कि अन्य प्राणियों से काफ़ी ज़्यादा होती है। जन्म के समय ही हाथियों का मस्तिष्क काफ़ी विकसित होता है, जिसका प्रयोग वह अपनी सामाजिक संरचना को समझने में करते हैं तथा अपनी निर्बल सूंड से खाना खाते हैं, क्योंकि हाथी जब पैदा होता है तो उसके कुछ देर बाद से ही वह अपने सारे कार्य खुद ही करने लग जाता है, तो इसलिए इतने लंबे गर्भकाल का यही कारण होता है। हाथी एक बहुत ही सामाजिक प्राणी है, वह झुंड में रहते हैं और हर एक हाथी को अलग अलग काम दिया रहता है, जैसे किसी हाथी को बच्चों की देखरेख दी रहती है, जबकि कुछ हाथियों को सारे झुंड की सुरक्षा का दायित्व दिया रहता है। किसी हाथी को खाने की खोज, भोजन की खोज के बारे में पता करने के लिए दिया रहता है, तो इनका एक सामाजिक जीवन होता है। इसके अलावा जो हाथी होते हैं वो मनुष्य के साथ भी रहना पसंद करते हैं, खेलना कूदना भी पसंद करते हैं। अब बात करते हैं हाथियों के दांतों के बारे में। तो जनरली देखा गया है कि जो अफ्रीकन हाथी होते हैं, सामान्यतः देखा गया है जो अफ्रीकन हाथी होते हैं उनमें नर और मादा दोनों हाथियों पर दांत होते हैं, जबकि जो एशियाई हाथी होता है उस पे नर पे दांत होते हैं और मादा पे दांत नहीं होते हैं। इसका मतलब दोनों के जो दांतों का प्रकार है वह अलग अलग होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एशियाई हाथी हैं उनमें न तो नर पे और न ही मादा पे दांत होते हैं। हाथियों में बच्चों के बीच का अंतराल बड़ा लंबा होता है, मतलब कम से कम 4-5 साल का, जिसके कारण पीढ़ियों में भी एक लंबा अंतराल होता है। दो पीढ़ियों के बीच लगभग 20 साल का अंतराल होता है, जो कि काफ़ी बड़ा अंतराल है, जिससे जो हाथियों की संख्या है उसमें जो कमी हो रही है उसको मेंटेन करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं हाथी की सूंड के बारे में। हाथी की जो सूंड होती है उसकी नाक और उसके ऊपरी होंठ का ही एक मांसल और लचीला विस्तार है। हाथी की जो सूंड होती है वो प्रायः उम्र भर बढ़ती रहती है,
और कभी कभी तो एक साल में 5-6 इंच भी बढ़ सकती है। हाथी की जो सूंड होती है वो हाथी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है, क्योंकि हर एक काम में, चाहे वो नहाना हो हाथी को, या अपने लिए खाने के लिए पत्ते तोड़ने हो, या कहीं पे सफाई करनी हो, या कहीं पे अपने लिए रहने का बनाना हो, हर जगह पर उसकी सूंड प्रयोग में आती है। जो अफ्रीकन हाथी होते हैं उनकी सूंड के आगे वाले हिस्से में 2 उंगली रूपी उभार होते हैं, जबकि जो एशियाई हाथी होते हैं उसकी सूंड के आगे केवल 1 उभार होता है। तो ये था हाथियों के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।